मूवी के स्टार्ट में हमें ऑस्ट्रेलिया का एक काफी बड़ा आइलैंड दिखाया गया है। ये एरिया ज्यादातर कीचड़ वाला था, यानी गीली मिट्टी वाला एरिया, और उसी आइलैंड में एक काफी बड़ा जंगल भी था। वहीं पर हम उसी जंगल की एक जंगली भैंस को देखते हैं। वो भैंस एक पुल के पास खड़ी हुई थी, तभी एक खतरनाक मगरमच्छ पुल से बाहर आता है और उस भैंस को खींचकर अपने साथ ले जाता है। उस एरिया के बारे में ये बात मशहूर थी कि वहाँ पर बहुत ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। वहीं पर हमें एक अमेरिकन लड़का दिखाया जाता है जो कि एक रिपोर्टर होता है और उसका नाम होता है पीट। वो एक खतरनाक किस्म के मगरमच्छ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर आया था। वो मगरमच्छ उस एरिया का सबसे खतरनाक मगरमच्छ था और उसने बहुत सारे इंसानों और जानवरों को मार डाला, और वो मगरमच्छ साइज में भी काफी बड़ा था। उस मगरमच्छ की वजह से उस एरिया में काफी दहशत फैली हुई थी लोगों में। लोगों का कहना था कि वो बहुत ही पावरफुल और खतरनाक किस्म का मगरमच्छ है, इसीलिए उस मगरमच्छ के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए पीट उस एरिया में आया था। पीट उस एरिया की एक ट्रैवल बोट में बैठ जाता है उस जगह पर पहुंचने के लिए जहां पर वो बड़ा मगरमच्छ रहता था। पीट के अलावा वहां पर और भी बहुत लोग थे जो सब ट्रैवलर्स थे, जो उस पूल को देखने के लिए वहां पर आए थे और उस मगरमच्छ को भी देखने आए थे ताकि वो उसकी पिक्चर्स कैप्चर कर सके। उस बोट को चलाने वाली एक फीमेल थी जिसका नाम होता है केट। केट का काम उस बोट को चलाना था और ट्रैवलर्स को उस जगह और मगरमच्छ के बारे में गाइड करना था। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो लोग अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग कीचड़ वाले एरिया से आगे बढ़ रहे थे, तब केट सब ट्रैवलर्स को वहाँ के क्रोकोडाइल्स के बारे में डिटेल से बताती है। केट कहती है कि इस एरिया में बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं जो सारे के सारे खतरनाक हैं, और सारे मगरमच्छ तकरीबन 15-20 फीट के होते हैं। वो कहती है लेकिन इस एरिया में एक ऐसा मगरमच्छ भी है जो कि काफी बड़ा है साइज में, और वो मगरमच्छ काफी खतरनाक है और कैनिबल है, लेकिन वो मगरमच्छ बहुत ही कम नजर आता है। मगरमच्छ जब किसी का शिकार करता है तब वो अपने शिकार को एक बार में ही नहीं खा लेता, बल्कि वो अपने शिकार को टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है और फिर उन टुकड़ों को खाता है। केट की ये बातें सुनकर बोट में बैठे कुछ लोग तो डर जाते हैं, लेकिन केट कहती है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बोट में सेफ हैं। उन लोगों को अपने रास्ते में काफी ज्यादा मगरमच्छ भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो मगरमच्छ ज्यादा लंबे चौड़े नहीं थे। इसका मतलब ये था कि उस एरिया में लोगों को डरना नहीं चाहिए था क्योंकि खतरे जैसी वहाँ कोई बात नहीं थी। वो लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी दो लड़के एक बोट पे बैठ कर केट की बोट के पास आ जाते हैं। वो दोनों लड़के असल में केट के फ्रेंड थे और वहाँ पर वो लोग एज यूजुअल बतखों का शिकार करने के लिए आए थे। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर केट और उसके लोगों को एक जगह से धुआं आता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बोट का एक्सीडेंट हो गया हो वहाँ पर, या बोट किसी चीज से टकरा गई हो, इसीलिए केट और उसके बाकी लोग अपनी बोट को उस तरफ लेकर जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो पुल का एरिया खत्म होता जा रहा था और वो लोग कीचड़ वाले एरिया में आगे बढ़ रहे थे, और ये वही जगह थी जहाँ पर वो बड़ा मगरमच्छ, खतरनाक किस्म का मगरमच्छ रहता था। लेकिन वो लोग समझ रहे थे कि हम लोग बोट पर हैं इसीलिए हम सेफ हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद रात भी होने वाली थी, तभी उन्हें पूल में पड़ी एक बोट दिखाई देती है। ना उस बोट के अंदर कोई था और ना उस बोट के आसपास कोई था। असल में इस बोट पर किसी जानवर ने अटैक किया था, इसी वजह से वो बोट पानी में डूब गई और वहाँ पर कोई मिला भी नहीं। केट समझ जाती है कि ये एरिया उस बड़े मगरमच्छ का एरिया है, इसका मतलब ये है कि वो इस एरिया में सेफ नहीं थे, इसीलिए वो अपनी बोट को वापस घुमाने लगती है। लेकिन तभी कोई चीज बड़ी तेजी से बोट के नीचे वाले हिस्से से टकरा जाती है, जिसकी वजह से बोट में क्रैक्स हो जाते हैं और होल होने की वजह से बोट में पानी आने लगता है। इसीलिए केट उस बोट को पूल के किनारे पर ले आती है। सब लोग भी बोट से नीचे उतर जाते हैं। केट जब चेक करती है तब उसे पता चलता है कि रेडियो भी अब खराब हो चुका है। मदद के लिए कॉन्टेक्ट करने के लिए अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसका मतलब ये है कि वो लोग वहाँ पर फंस चुके थे। वो सब लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर इस जगह से कैसे निकला जाएगा। तभी एक ट्रैवलर जो कि पुल के पास खड़ा हुआ था, और सब लोगों को उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से सब लोग पुल की तरफ देखते हैं, तब उन्हें वहाँ पर एक मगरमच्छ दिखाई देता है, और ये मगरमच्छ कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक और बड़े वाला मगरमच्छ था जो सब लोगों की मौजूदगी में सब लोगों की आंखों के सामने उसको अपना शिकार बनाकर ले गया। सब लोग समझ चुके थे कि वो मगरमच्छ एक बार फिर से उन पर अटैक करेगा, क्योंकि जिस एरिया में वो सब लोग खड़े हुए थे मगरमच्छ पूल से बाहर आकर भी उन पर अटैक कर सकता था। इसीलिए केट सबको कहती है कि वो सामने वाली ऊंची जगह पर चले जाएं। तभी केट के वो दोनों मेल फ्रेंड्स फिर से अपनी बोट लेकर उस जगह पर आ जाते हैं। केट अपने फ्रेंड्स को कहती है कि जल्दी उस जगह से निकल आओ, वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले कि केट के फ्रेंड्स कुछ कर पाते, वो मगरमच्छ बोट पर हमला कर देता है और बोट पलट जाती है। केट का एक फ्रेंड तो किसी तरह बचकर पानी से बाहर
बाहर आ जाता है, लेकिन उनका दूसरा फ्रेंड पानी से बाहर नहीं आता क्योंकि मगरमच्छ उसे अपना शिकार बना कर ले गया था। फिर देखते ही देखते वहाँ पर रात हो जाती है। देखते ही देखते उस कीचड़ वाले एरिया में अब पानी भी आ रहा था और वो खतरनाक क्रोकोडाइल भी वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। केट का फ्रेंड कहता है कि हमारा यहाँ पर रुकना किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुके तो एक एक करके उस मगरमच्छ का शिकार बनते जाएंगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ से एक ट्री पर एक रस्सी बांधूंगा और ट्री पर जो रस्सी बांधी होगी उसे लेकर ऊंची वाली जगह पर तैर कर जाऊंगा और उस जगह पर जाकर वो एक मजबूत ट्री से रस्सी को बांध देगा, जिससे होगा ये कि सब लोग सेफली रस्सी के सहारे उस ऊंची वाली जगह पर चले जाएंगे। ये प्लान उनके लिए रिस्की था, लेकिन अब इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, इसीलिए सब लोग केट के फ्रेंड की इस बात पर एग्री कर लेते हैं। फिर केट का वो फ्रेंड पानी में तैरकर उस ऊंची वाली जगह तक चला जाता है और एक काफी बड़े ट्री को रस्सी से बांध देता है। बाकी के बचे सारे लोग रस्सी का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। केट का फ्रेंड उन सबको अपनी तरफ आते हुए देख रहा था, लेकिन तभी केट के फ्रेंड को कोई आवाज सुनाई देती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ देख पाता, कुछ सोच समझ पाता, वो खतरनाक किस्म का मगरमच्छ उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। उस मगरमच्छ ने इतनी जोर से केट के फ्रेंड पर अटैक किया था कि वो ट्री भी गिर जाता है जिस पर रस्सी बांधी गई थी। इसी वजह से सब लोग पानी में गिर जाते हैं। वो सब लोग पानी में तैर कर फिर से केट के पास आ जाते हैं। सब लोग पूल से दूर होकर खड़े हुए थे, लेकिन उनमें एक आदमी ऐसा था जो पूल के पास ही खड़ा हुआ था, लेकिन तभी वो मगरमच्छ आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे तालाब में फेंक देता है। वो आदमी हेल्प के लिए काफी चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं बचा सकता था क्योंकि अब वो मगरमच्छ का शिकार जो बन चुका था। वो मगरमच्छ उसे अपने साथ ले जाता है। सब लोग अपनी आंखों के सामने अपने साथी को उस मगरमच्छ का शिकार होता देखकर डर जाते हैं और पानी भी आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पर बढ़ता ही जा रहा था। पीट कहता है कि वो मगरमच्छ हम सबका शिकार करना चाहता है एक एक करके, और अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें उसका ध्यान बटाना चाहिए, उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। तब वो लोग केट के फ्रेंड की बोट से मरी हुई बतखे लेकर आते हैं और उन बतखों को एक हुक में फंसाया जाता है और ऐसा करने के बाद उन्हें पूल में फेंक दिया जाता है। उनका प्लान ये था कि जैसे ही वो मगरमच्छ इन बतखों को खाने लग जाएगा तब वो लोग मौके का फायदा उठाकर सामने वो ऊंची वाली जगह पर चले जाएंगे। ये सब कुछ वो लोग उस मगरमच्छ का ध्यान बटाने के लिए कर रहे थे क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों के पास सिर्फ ही आखिरी रास्ता था। सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। पीट ने एक मजबूत रस्सी हुक के जरिए एक ट्री से बांध दी थी, तभी वो मगरमच्छ वहाँ पर आकर उन बतखों को खाने लगता है और मगरमच्छ उनके उस ट्रैप में फंस भी गया था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए केट और बाकी लोग दूसरी जगह पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो मगरमच्छ साइज में काफी बड़ा था तो वो उस रस्सी को तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वो सब लोग सामने वाली ऊंची जगह तक पहुँच चुके थे सिवाय केट के, क्योंकि वो अभी तक पानी में ही थी और पीट भी अभी तक उसी जगह पर ही फंसा हुआ था। पीट केट को कहता है कि वो मगरमच्छ रस्सी तोड़कर हुक से निकल चुका है और वो मगरमच्छ अब तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा है। ये सुनकर केट जल्दी से पानी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक वक्त पर पानी से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि वो मगरमच्छ केट पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है और केट को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तब तक पीट भी केट को बचाने के लिए पानी में आ जाता है, लेकिन केट उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। फिर पीट को वहाँ पर केट का डॉग नजर आता है, इसीलिए पीट केट के डॉग के पीछे पीछे जाता है। फिर वो एक काफी भयानक जगह पर आकर रुक जाता है। पानी के बिल्कुल बीचों बीच वहाँ पर एक काफी बड़ा ट्री था। अब पीट को केट का डॉग भी वहाँ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। फिर पीट को उस ट्री में बनी हुई एक केव में से उस कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए चेक करने के लिए पीट भी ट्री की उसी केव में चला जाता है। पीट का पाँव वहाँ पर स्लिप हो जाता है और वो ट्री में बनी एक काफी बड़ी केव में आ जाता है। वहाँ पर पीट को केट के फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालत काफी खराब थी। उसकी डेड बॉडी की ऐसी हालत देख कर पीट डर जाता है और वो आगे बढ़ता है उस केव में। वहाँ पर पीट को केट का डॉग भी मिल जाता है। पीट देखता है कि वहाँ पर केट भी बेहोश पड़ी हुई है और केट काफी इंजर्ड भी थी। उसकी बॉडी पर काफी चोट के निशान थे, लेकिन अभी भी केट जिंदा थी, उसकी थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी। तभी केट का डॉग वहाँ से भाग जाता है। पीट उस जगह को देखकर समझ जाता है कि ये उसी मगरमच्छ के रहने की जगह है और वो किसी को भी अपना शिकार बनाकर यहाँ इसी जगह पर ही लाता है। पीट केट को नीचे से उठाकर एक ऊंचाई वाली जगह पर रख देता है। तभी पीट को वहाँ पर उसी मगरमच्छ की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए पीट
मिनट भी खामोशी से एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर वो मगरमच्छ आ जाता है। पीट देखता है कि वो तो एक काफी बड़ा मगरमच्छ है, और उस मगरमच्छ ने अपने मुंह में केट का डॉग पकड़ा हुआ था और उस कुत्ते को उस मगरमच्छ ने मार डाला था। देखते ही देखते वो मगरमच्छ केट के कुत्ते को भी खा लेता है। इसके बाद वो मगरमच्छ वहीं पर ही सो जाता है। थोड़ी देर के लिए पीट वहीं पर ही बैठा रहता है। जब पीट को ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो मगरमच्छ सो गया है और अब वो अटैक नहीं करेगा, तब वो केट को अपने साथ लेकर उस केव से बाहर आने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। बाहर निकलने का रास्ता पीट के बिल्कुल सामने था और वो मगरमच्छ भी अभी तक सो रहा होता है। लेकिन तभी पीट को कोई आवाज सुनाई देती है और जब पीट देखता है तब उसे पता चलता है कि वो मगरमच्छ तो वहाँ पर है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो मगरमच्छ जाग गया है। तभी वो मगरमच्छ आकर पीट पर अटैक कर देता है और पीट केट को लेकर अपने साथ एक जगह पर आ जाता है। पीट जो कि काफी बड़े बड़े पत्थरों के बीच में था जहाँ पर वो मगरमच्छ नहीं आ सकता था, इसीलिए मगरमच्छ उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए पीट केट को वहीं पर छोड़ देता है और मगरमच्छ का ध्यान बटाने के लिए पीट एक दूसरी तरफ चला जाता है और अब वो मगरमच्छ पीट के पीछे पड़ गया था। पीट एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस मगरमच्छ को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो मगरमच्छ उसे उठाकर साइड पे फेंक देता है और अब वो मगरमच्छ पीट के बिल्कुल सामने आ चुका था। पीट बहादुरी से उस मगरमच्छ का मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन वो मगरमच्छ पीट का हाथ पकड़ लेता है और वो पीट की उंगलियां ही खा लेता है। तभी पीट एक काफी बड़े पत्थर से मगरमच्छ पर अटैक कर देता है, इसीलिए मगरमच्छ वहाँ से वापस चला जाता है और अब मगरमच्छ उस जगह पर बढ़ रहा था जहाँ पर पीट ने केट को रखा हुआ। ये देखकर पीट एक बार फिर से उस मगरमच्छ का ध्यान बटाने के लिए उसे अपनी तरफ बुलाता है। पीट चिल्ला चिल्ला कर उस मगरमच्छ को अपनी तरफ बुला रहा होता है। पीट की हालत काफी खराब थी क्योंकि उस मगरमच्छ ने उसे काफी इंजर्ड कर दिया था और वो मगरमच्छ अब पीट की तरफ ही बढ़ रहा होता है। पीट एक नोकदार लकड़ी से मगरमच्छ पर हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ था क्योंकि पीट को लग रहा था कि आज वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। उसे अपनी मौत सामने ही नजर आ रही थी। पीट उस लकड़ी को लेकर एक काफी बड़े पत्थर से टेक लगाकर बैठा हुआ था। तभी वो मगरमच्छ बहुत जोर से पीट को खाने के लिए उस पर अटैक कर देता है और पीट उस नोकदार लकड़ी को उस मगरमच्छ के मुंह के आर पार कर देता है। वो मगरमच्छ पीट को निगलने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन पीट उस काफी बड़े पत्थर की वजह से बच गया था जिसके साथ वो टेक लगाकर बैठा हुआ था। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो कैनिबल मगरमच्छ मर जाता है। आखिरकार पीट ने उस खतरनाक किस्म के मगरमच्छ को मार ही डाला। फिर पीट केट को उस केव से लेकर बाहर आ जाता है। वहाँ पर उसे बोट के बाकी मेंबर्स भी मिल जाते हैं। उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर पूरी रेस्क्यू टीम भी आ चुकी थी। बिल्कुल ठीक वक्त पर फर्स्ट एड मिलने की वजह से केट की जान भी बच गई थी। पीट के बारे में न्यूज़पेपर में भी छप गया था कि किस तरह एक अमेरिकन रिपोर्टर ने खतरनाक किस्म के कैनिबल मगरमच्छ को मार डाला। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।